हमारे जितने और यहाँ पर बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, खूब पैसे ले लेकर लोगों को की जिंदगियाँ संवारने की बात करते हैं, सारा जोर उनका इस बात के ऊपर है कि बस यहाँ की ज़िंदगी ठीक कर लो, अपने इस दुनिया के हिसाब से ठीक कर लो, आगे की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं देते। कुरान ने इसे बुनियादी अकायद के अंदर रखा है, मूल मान ले तो हमें आगे ज़िंदगी है, ये मत समझना बच जाओगे। हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, आपका भी हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, इसका इंतज़ाम रखें। कुरान ने कह दिया है वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर ज़र्रे के बराबर भी किसी ने कोई भलाई की है नज़र आ जाएगी, वीडियो चला दिया जाएगा, ज़िंदगी प्ले बैक कर दी जाएगी, देख लेगा। वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे के बराबर भी किसी ने अगर कोई शर बुराई की होगी वो भी दिखा दी जाएगी, उसे देख लेगा, उसके बाद इंसाफ होगा। इंसाफ अंधा नहीं होता कि कुछ पता नहीं क्या किया था और सज़ा मिल जाए, जैसा आवागमन के तसव्वुरात के मुताबिक समझा जाता है। इस्लाम ने इसलिए कि ये आखिरत के ये लॉजिकल था, हमारे सामने जो वाकयात पेश आ रहे हैं ये साबित करते हैं कि ये होना चाहिए, आगे जिंदगी होनी चाहिए जहाँ सज़ा मिल सके। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह الذي له حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله। برادران کرام, आज 26 अगस्त है, आज की तारीख सन 2022। आज ही का दिन था आज से 44 साल पहले, 26 अगस्त 1978, एक बहुत भयानक वाकया पेश आया। पूरे 44 साल आज गुजरे हैं। एक इंडियन नेवी के ऑफिसर थे, उनके दो बच्चे संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, या गीता चोपड़ा दोनों भाई बहन थे, वो 16.5 साल की थी, 14 साल का संजय था। वो अपने घर से निकले, ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें रिकॉर्डिंग करानी थी, प्रोग्राम देना था, बहुत ब्राइट बच्चे थे दोनों। बाहर कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, किसी ने उन्हें लिफ्ट दी, ये धौला कुआं पे रहते थे दिल्ली में, गोल पोस्ट ऑफिस तक, और वहाँ फिर दो क्रिमिनल्स आए, नाम तो उनके कुछ और थे, वो जो उनकी उर्फियत थी उसके नाम से मशहूर हुए, रंगा और बिल्ला। उन्होंने ज़बरदस्ती दोनों को अपनी गाड़ी में डाला, कुछ लोगों ने देखा, बचाने की कोशिश की, तब तक गाड़ी निकल गई उनसे आगे। एक सिख थे सरदार जी, उन्होंने पीछा किया, वो गाड़ी रेड लाइट जम करके निकल गई, ये रुक गए। जगह जगह जो लोगों की नज़र पड़ी वो ये थी कि दोनों अंदर बाकायदा जंग कर रहे थे, एक गाड़ी चला रहा था उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जो साथ बैठा था उसके पास तलवार भी थी कृपाण में। बच्चे ने 14 साल के वो भी छीनने की कोशिश की कि तलवार लेके हमला करूं, उसी की तलवार, तो बहुत बहादुर बच्चे थे, लड़की भी और लड़का भी। इतनी कम उम्र के बच्चे ऐसे अगवा हो तो वो तो हाथ पांव बड़ों के शल हो जाएं, मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। भागते हुए ये भी देखा गया कि उसका हाथ खूनम खून था, उसने तलवार पकड़ने की कोशिश की थी जो छीनी गई, उसने हाथ हिलाया अपना खून का दिखाया, लेकिन रोका नहीं जा सका। ये बीच बीच के जो गवाह बात को मिले, और फिर उन्होंने बुद्धा जयंती कार पार्क की, अंदर दूर तक सुनसान होता है, वहाँ पर लड़के को अलग ले गए थोड़ी सी दूर फासले पर, उसका मर्डर किया। इस लड़की को जो 16.5 साल की थी, वो वहाँ तक भी ऐसे ही था कि दोनों मुकाबला कर रहे थे,
जहाँ उतारा उनको, बात के जितने वाक़यात मालूम हुए। उस वक्त तक भी ये था कि फिर लड़की को फुसलाया, उसने कहा कि भाई को कहाँ ले गए मेरे, जहाँ तकरीबन 100 गज पर ले जाकर उसे मार दिया था। फिर लड़की को कहा कि अच्छा उसके पास लेकर चलते हैं। उससे पहले उसे दोनों ने रेप किया और फिर वो उसको भाई की फिक्र थी, उसके बाद भी छोटे भाई की, उसको लेकर कहा चलो भाई की तरफ, और पीछे से उसके सर पे हमला किया, उसे भी जान से मार दिया। लंबा वाक़या है, बड़ी भयानक तफसील है, तो मैंने बहुत बीच के छोटे से अजदा बताए। उन दोनों को जब किडनैप किया गया और अगवा किया गया, तो बहन कितनी दफ़ा मरमर के जी होगी भाई के लिए, और भाई कितनी दफ़ा मरमर के जिया होगा बहन के लिए। खाली इतना सा नहीं था, हम तो रिजल्ट देखते हैं कि वो जान से मार दिया था, रेप किया जान से मार दिया। बहरहाल बिलाखिर उन दोनों को मौत की सज़ा हो गई, रंगा और गिल्ला को। केस बहुत मशहूर हुआ था, बहुत पब्लिसाइज हुआ था, 3.5 साल के अंदर फाइनल हुआ और उनको सजाए मौत हो गई। पूरे हिंदुस्तान में उसका काफ़ी शोर था, हंगामा था। वालदैन की ट्रेजिडी ये थी कि उसके फादर अपना ऑपरेशन करा चुके थे, नसबंदी करा चुके थे, उनकी और कोई औलाद भी नहीं हो सकती थी, सिर्फ वही 2 बच्चे थे। उन्होंने कैसे बाकी ज़िंदगी गुजारी, तो कोई अपने बच्चों को सामने रखकर तसव्वुर करे तभी अंदाज़ा लगा सकता है। उनको सजाए मौत हो गई, तो क्या ये उसका बदला हो गया? खाली कत्ल कर दिया होता तो शायद बदला हो जाता, लेकिन किसी एक को कत्ल कर देना भी बदला नहीं होता सजाए मौत। उनकी फैमिली का जो अंजाम हुआ, कि अब औलाद भी नहीं होगी, 2 ही बच्चे थे और दोनों बहुत ब्राइट थे, बड़े अच्छे थे, और फिर वो सारी तफसीलात आई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ और बेटे के साथ क्या हुआ, और आखिर तक वो दोनों बच्चे मुकाबला करते रहे। उसे सोच सोच कर बरसा बरस तक वो मर मर कर जीते होंगे वालदे। खाली फांसी तो उनकी सज़ा काफ़ी नहीं हुई, फिर सिर्फ फांसी हो गई, बात ख़त्म हो गई। फांसी तो खाली रेप पर ही हो जानी चाहिए और खाली मर्डर पर भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये केस जितना भयानक था उसकी तफसीलात के साथ, तो अगर उनको 50 दफ़ा जिंदा करके फांसी दी जाए तब भी सज़ा पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ दुनिया के कानून में इससे बड़ी और कोई सज़ा है भी नहीं। चंद वाक़यात का मैं जिक्र करूँगा जो बहुत पब्लिसाइज हो गए, जो मशहूर बहुत हुए। अभी हाल में पब्लिसिटी हुई दोबारा उनकी बिल्किस की, 2002 के गुजरात के जो फसादात थे, उन फसादात के मुतासिरा में से एक थी ये एक बिल्किस बानो, जिसको उसके नज़रों के सामने 7 घरवालों को मारा गया, उसके नज़रों के सामने 3 साल की बच्ची को मारा गया, वो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, और फिर उसके बाद उन लाशों के करीब में अपनी सगी बच्ची और 7 घरवालों के लाशों के पास उसको रेप किया गया। मुकदमा चला, नामजद लोग थे, सबको पहचानती थी, उसी की बस्ती के थी। मुकदमा चला और उनको फाइनली सज़ा हुई, सज़ा कैद की हुई, वो जितने साल की भी थी उम्र कैद की सज़ा। वो जो कातिल थे जिनका जुर्म साबित हो गया, 11 लोग थे, सिर्फ 7 लोगों को, और पता नहीं कितने और कत्ल किए उन्होंने, इसका तो पता नहीं, इतने के सबूत मिल गए, साबित हो गया केस, तो सिर्फ इसी जुर्म में उनको
सजाए मौत होनी चाहिए थी, सिर्फ रेप के जुर्म में भी सजाए मौत होना चाहिए, और न केवल वो खुद हामिला थी और उसकी अपनी बच्ची को मारा था उसी वक्त 3 साल की, और उसकी और उस बच्ची की लाश के पास उसको रेप किया गया। ये तो अगर फांसी हो जाती इन 11 के 11 को, और फिर कहीं जन्म लेते हो फिर फांसी होती, और फिर जन्म लेते फिर फांसी होती, तो 11 मर्तबा में भी उनका जुर्म पूरा नहीं होता और सजा पूरी नहीं होती। लेकिन फिर ये हुआ कि वो भी ख़त्म हो गई उनकी जो उम्र कैद थी, और उनको इस 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, गुजरात गवर्नमेंट ने आज़ाद कर दिया कि 15 अगस्त को हम क्रिमिनल्स को आज़ाद करते हैं, उनमें से इन्हें कर दिया, हर क्रिमिनल को आज़ाद कर देंगे 15 अगस्त को। इस तरह के जराइम, जो भयानक जराइम करने वाले हैं जिनका जुर्म साबित हुआ, उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ जेल से निकलने पर, जुलूस निकले, मिठाइयाँ खिलाई गई वहीं जब निकले, और फिर राइटिस्ट पार्टी है उसके, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ, आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, उन्होंने अपने हेड ऑफिस बुलाया, वहाँ उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और उनको वहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई गई, उनको हार पहनाए गए। जहाँ ऐसे रेपिस्ट को हार पहनाए जाएँ और इस्तकबाल किया जाए, सज़ा कैसे चल रही है बात इसके ऊपर के कैसे छोड़ा जा सकता था, 15 अगस्त की आड़ लेके कैसे उन्हें रिलीज़ किया जा सकता, इस पर चल रही है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कॉग्निजेंस अपील के ऊपर, मुमकिन है आगे कुछ हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन रेपिस्ट को वेलकम करना जिनके जुर्म साबित हुआ था, और उनको मिठाइयाँ खिलाना कि तुमने बड़े कारनामा अंजाम दिया था तुम सबने मिलकर, कितनों को और उन्होंने किया होगा उस जगह के अलावा रेप, उसके तो कोई सबूत नहीं मिले, और कितने और मारे होंगे उन्होंने, उसके सिलसिले के हजारों लोग मारे गए उस फसाद के अंदर। ये तो वो इतना हिस्सा था जितना एक केस में साबित हुआ, और चंद एक दो ही केस और थे जिसमें कुछ सबूत आए, बाकी तो सब आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजार गए ठाट से, बल्कि गवाहों पर प्रेशर डालते रहे। वह नरोदा पटिया जो है वहाँ पर एक जगह थी जहाँ सबसे ज़्यादा पूरे गांव पर भी आती हुई थी, वहाँ उन्हें धमकियाँ देते रहे उनके, खबरदार किसी ने दबान खोली वरना फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे, जितने लोग वहाँ बचे थे। उस वक्त का जो नेशनल मीडिया था वो ये सारे अखबार या वो सारा मीडिया जो आज सरकारी कहलाने लगा है और झूठी खबरें छापने लगा है सरकार के फेवर में, और सच्ची खबरों का बिल्कुल बायकॉट जिसने कर रखा है, इन्होंने केस को बहुत हाईलाइट किया था इन सारे अखबारों, कम से कम जो इंग्लिश का प्रेस था जो नेशनल मीडिया उस वक्त कहलाता था, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, और तो सारे और बहुत से, उनमें जो रिपोर्ट थी मेरे पास तो बहुत लंबी तफसीलात हैं जो आज तक हैं रखी हुई, लेकिन उसी के अंदर अजीब बड़े बड़े भयानक केस थे कि रोंगटे खड़े हो जाएं, जो उन्होंने मुख्तलिफ बयानात दिए थे जो इन्हीं अखबारात में छपे थे। एक कौसर वालों की वो 9 महीने की हमला थी जो उसका बयान आया और उन्होंने छापा था उसे, तो वो 9 महीने की हमला थी, उसका पेट चाक करके बच्चा निकाला गया, फिर बच्चे को आग में डाला गया और उसके बाद खुद उसे भी आग में डाल दिया गया। वो 9 महीने वाली को रेप तो उनको करने का दिल नहीं चाहा होगा, फिर उसे भी आग में जला दिया गया, बहुत भयानक केस था। हर केस अपनी जगह इतना भयानक था कि जितनी भी रिपोर्टें आई वो हज़ारों लोग जो मारे गए के, जिसमें यह भी थी कि पुलिस साथ दे रही थी, इन्हीं अखबारात में ये रिपोर्ट भी छपी थी कि कई लिहाज से ये जो फसादात थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे, यानी उससे पहले ऐसे फसाद नहीं हुए कई लिहाज से, हालांकि जाने तो ज़्यादा गई इससे और दूसरे फसादात में भी उससे पहले, लेकिन
कई लिहाज से वो ये कि जितने ऑफिशियल मशीनरी थी, ऑफिसर्स जो थे वो साथ दे रहे थे, दो मंत्री पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे थे, ये अखबारी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम में छपी थी, दो मंत्री खुद पुलिस कंट्रोल रूम में थे जो बाकायदा पुलिस की एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे थे, वतादी आगे होते थे, पुलिस उनको सपोर्ट करती हुई साथ साथ चलती थी। इस तरह का जो यूरोपियन यूनियन ने, फॉरेन प्रेस ने, हिंदुस्तान के प्रेस ने, सब ने बहुत वाज़ेह तौर पर उन फसादात के बारे में ये लिखा कि ये खाली ऐसा नहीं था कि वो कुछ, वो जो कार सेवक बोगी जलाई गई थी जिसमें मर गए थे उसे भी, मैं इस वक्त उसकी कुछ और तफसीलात हैं उसमें नहीं जा रहा, और भी वर्जन है उस बोगी के जलने का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुआ था, लेकिन जिसके अंदर वो कार सेवक मर गए थे उसके नतीजे में ये अचानक एक लहर नहीं उठी थी बदला लेने की, ये बाकायदा प्लान था जो अगर इस वाक़े से नहीं होता तो किसी और वाक़े के ज़रिए किया जाता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें लिखी हुई अखबारात की मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ कमीशन्स की। एक अखबार था, वहाँ से निकलता था संदेश, उसके फ्रंट पेज पर और पेज नंबर 6 पे दोनों जगह बहुत बड़ी न्यूज़ छपी कि 12 कारसेवक औरतों को बोगी में से खींच के निकाला गया और उनको कहीं गांव में ले जाकर रेप किया गया। एक वर्जन ये था कि एक मदरसे में ले जाकर रेप किया गया। अगले ही दिन उसने फिर ये खबर छापी कि उनकी ब्रेस्ट और छातियाँ काटी गई और उनका रेप हुआ और फिर ब्रेस्ट और छातियाँ काटी गई और फिर उन्हें मारा गया। एक गुजरात समाचार संदेश, बहुत बड़ा अखबार वहाँ का गुजराती जबान का, गुजरात समाचार जो गुजराती जबान का अखबार है जो सबसे ज़्यादा वहाँ चलता है, सारी जबानों से ज़्यादा ये अखबार गांव-गांव जाता है, गांव-गांव लोग लिटरेट हैं वहाँ पढ़े लिखे, उसने भी इसी तरह की खबर छापी फ्रंट पेज के ऊपर बहुत बड़ी। बाद को गुजरात समाचार में तो चंद दिन बाद बहुत छोटे से अंदर के किसी कॉलम में लिखा कि वो खबर बेबुनियाद थी, लेकिन तब तक फसादात शुरू हो चुके थे। संदेश ने वो डिनायल भी नहीं छापा, तरदीद भी नहीं छापी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने खाली मजम्मत की कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इन दोनों अखबारात का, और घर घर ये खबर पहुंची कि हिंदू औरतों के साथ में ये किया गया मदरसे ले जाकर, और वह झूठी थी खबर। फसादात तो बाकायदा जो वहाँ के सबसे बड़े, और ये दोनों अखबार मिलके गुजरात के 90% उस रीडर्स को कवर करते थे, गांव गांव जाते थे दोनों मिलकर, तो अपने आप में ये मालूम हुआ। और बहुत सी चीज़ें जो दी गई अखबारात ने दी और ये लिखा, और मुख्तलिफ कमीशन्स ने कहा कि ये तैयारियाँ तो बहुत कई महीने पहले से थी, किसी वाक़े का इंतज़ार था। ये वाक़या कैसे हुआ, मैं तो मैंने कहा ना इसकी तफसील में मैं अभी नहीं जा रहा, उसका भी एक और वर्जन भी है, लेकिन एक वाक़या हुआ तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में नहीं हुआ था जो कुछ हुआ, बल्कि फिर एक मंसूबा बंद तरीके से जो पहले से मंसूबा बन रहा था उस पर अमल किया गया। और एक लेडी थी, एक औरत जिसका ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उसने जब उसका जो बयान रिकॉर्ड किया, मुझे नाम उसका याद नहीं है, तो उसने उसको जब बेहोश हालत में लाया गया कैंप के अंदर, तो उसके पूरे जिस्म पे उसके ज़ख़म थे, नाखूनों के निशान थे और ज़ख़म थे, लेकिन उसके शर्मगाह में से बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ जो ठूसी गई थी वो निकाली गई, जो बहुत ही ख़तरनाक थे, तो ऐसी लकड़ियाँ जो फांस वाली थी तो बड़ी मुश्किल से निकाली जा सकी। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, उसके सारे मुजरिम स्कॉट फ्री, चंद आए थे जो साबित हो गए थे, जिनका जुर्म भी साबित हो गया था, उन चंद को अब रिहा कर दिया गया, आज़ादी दे दी गई। क्या इनकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, कोई करे, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। और न मैं आपको, ये बहुत पुराने वाक़या थे, मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा, कोई ताज़ा होता तो आपके जज्बात भड़कते, जज्बात भड़काना नहीं है मकसद,
असल तो एक बहुत अहम एक उसूल की तरफ तवज्जो दिलानी है। क्या इन लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिली और साफ बच गए? ये बच्चे का जो वाकया था, इससे ज़्यादा ख़तरनाक वो जो पेट चाक करके निकाला गया और फिर आग में डाला गया, बॉस्निया में हुआ, चलता रहा वहाँ, उस कहते रहे सारे कंट्रीज़ के बहुत बुरा हो रहा है, रेजोल्यूशन भी आते रहे यूनाइटेड नेशन में, वहाँ सब कुछ चलता रहा जो कुछ चल रहा था। वहाँ एथनिक क्लिनसिंग भी हुई, यानी एक नस्ल को वहाँ से ख़त्म करना है, और ये पूरे इंटरनेशनल प्रेस ने दिया कि रेप को एज ए वेपन यूज़ किया गया, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी मारा तो, लेकिन रेप को एज ए वेपन एज हथियार भी यूज़ किया गया कि जो बचे खुचे लोग रह जाएं, उनके जहनों के ऊपर खूब अच्छे तरीके से जम जाए कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। एक केस सुना रहा हूँ उसमें का आपको, सिर्फ बड़ी उन दिनों के अंदर अलग अलग रिपोर्टें थी कि एक औरत ने, उसने अपना जो बयान दिया वो ये था कि वो लोग फौजी घर में घुसे, सब फौजियों ने किया था, फौज ने, ये इतनी क्लीन सी थी, फौजी घर में घुसे, घुसने के बाद उन्होंने उसको रेप करना चाहा, उसने कुछ दफा करने की कोशिश की, रेजिस्ट करना चाहा, उसके रेजिस्ट करने की सज़ा में गोद में छोटा बच्चा था उसे छीना, छीनने के बाद कीमा बनाने वाली मशीन में डाला, उसे चलाया, उसकी नज़रों के सामने उसे पकड़े रहे, उसमें से जो कीमा निकाला उसके कोफ्ते बनाकर, बॉल्स बनाकर कच्चे अपने उसी के बेटे के उसके मुंह में ठूसे गए, और आखिरी जुमला उसका बड़ा दर्दनाक था, एंड देन दे रेप, उसके बाद फिर रेप किया। वो पहले ये तो सज़ा उसकी मिली थी कि तुमने हमें सरेंडर क्यों नहीं किया था, तो उसकी इतनी सज़ा थी, रेप तो फिर भी करना था। इसके बाद के उसके बच्चे का गोश्त उसके मुंह में डालने के बाद एंड देन दे रेप, फिर उन्होंने उसको ऐसे, ये तो एक वाकया बड़ा सामने आया और बहुत से आए थे जो मैंने आपको सुनाया। उन लोगों को कोई सज़ा नहीं मिल सकी, कुछ जो उसके बड़े जिम्मेदार थे ख़त्म हो गए इससे पहले के सज़ा मिल जाती, जब तक चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस उस वक्त तक उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई। तो चंद एक आदमी, एक दो बड़े जिम्मेदारों पे केस चल सका जो मिलिट्री फौजी ऑफिसर थे, बाकी तो सब स्पॉट फ्री थे, साफ किसी के साथ कोई एक्शन का सवाल ही नहीं। क्या इन लोगों को कोई बदला इनका नहीं होना चाहिए, कोई बदला नहीं मिलना चाहिए? जिन्होंने वो चाहे, यहाँ पर तो ये केस ऐसे थे कि जो मैं आपको सिर्फ वो सुना रहा हूँ कि केसेस वो सुना रहा हूँ जो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्टेड केसेस हैं, वो कहानियाँ नहीं है कि जिसको कहीं से साबित ना किया जा सके। मैं छांट कर आपको वो नहीं सुना रहा कि जो मुसलमानों के साथ हुआ दुनिया में बहुत से जगह, और कहाँ कहाँ गैर मुस्लिमों के साथ कितने भयानक केस ऐसे ही रिपोर्ट हुए हों कि वो ऑथेंटिक भी हों, कम है नज़ीरें या नहीं होंगी, मुझे मिली नहीं वरना मैं यहाँ रिपोर्ट करता। इस तरह का इससे मिलता जुलता एक केस कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, जो पिक्चर अभी आई थी, लगभग मिलता जुलता था जैसा ही मैंने आपको अभी सुनाया, उसकी ऑथेंटिसिटी का कुछ नहीं मालूम, उसकी सनद का, कहाँ रिपोर्ट हुई थी, किस जगह रिकॉर्ड हुई थी ये बात, किस कमीशन के सामने ये तहरीर में चीज़ आई थी, और खुद वहाँ की कश्मीरी तंजीम ने ये कहा, कश्मीरी ब्राह्मण्स की जो वहीं पर स्टेशन संजय टिक्कू साहब जो थे कश्मीर संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट, कि उसमें जो वाकयात हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं और एक ख़ास मकसद से पेश किए गए हैं जो वाकयात उसके अंदर हैं, लेकिन उस पिक्चर को सरकार ने जगह जगह टैक्स भी किया, जगह जगह उसकी मुख्तलिफ मंत्रियों ने तारीफ़ की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ऐसा वाकया नहीं जैसा ये था, जो कुछ उसके अंदर रिपोर्ट है, अगर उससे कम दर्जे के भी हों और हुए हैं बहुत से, तो उन्हें सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे मुजरिमों को, और अगर वो बच गए
तो अल्लाह की अदालत में नहीं बच सकते, उन्हें सज़ा मिलेगी। उसूलन तो बात यह कि सज़ा होनी चाहिए थी उनके, वो बच गए। अगर ऐसे वाकया सचमुच हुए कैसे, उसके अंदर रिपोर्ट हुई। कश्मीर में गया था सन 2003 में, खबर आई कि वहाँ 24 ब्राह्मणों को मार दिया गया। उन 24 ब्राह्मणों को जहाँ पर कत्ले आम हुआ था उनका, मैं उस जगह पर गया, कोई साथ में जाने को मेरे वहाँ पर जो जानने वाले थे कश्मीर में, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर थे, वो जाने पे तैयार नहीं हुए कि हम नहीं जा सकते उस इलाके में आपके साथ। मिसेस निर्मला देश पांडे कांग्रेसी थी, दीदी कहलाती थी हमारी, मेरी कुछ मुलाकातें थी उनसे, मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप जाइए, वो हमारे वर्मा साहब हैं वहाँ जम्मू में, वो आपके साथ जाएंगे। उनके कश्मीरियों में, कश्मीरी मुसलमानों में उनकी इमेज बहुत अच्छी थी, लोग उन्हें पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा वो जाएंगे, वर्मा साहब इधर उधर हो गए, बच गए, नहीं चले साथ में। मैं गया, अकेला गया, यहाँ से एक हमारे साथी थे, वो बस साथ में थे, हम दो लोग पहुँचे वहाँ। हमने जाकर वहाँ देखा कि हर घर में औरतें लिपट लिपट कर रो रही थी, मुसलमान औरतें बुरका पहने हुए, उन हिंदू औरतों के साथ में जिनके कोई घर वाले बच्चे या बड़े मारे गए थे। उस दिन ऐसा हुआ था कि गांव के लोग जो हैं वो एक शादी में जम्मू चले गए थे सारे, ये जो थोड़े से बच्चे थे इन सबको मार दिया था, ख़त्म कर दिया था एक पेड़ से बांध कर, और सबको गोलियों से भून दिया गया। हमने अलग अलग बात की, उन सब का तासुर यह था कि ये दहशतगर्दों ने नहीं किया है, ये इंतहा पसंदों ने नहीं किया है ये केस। और उन्होंने बताया कि ऐसा भी था कि हमने पहले रिपोर्ट की थी कि यहाँ कुछ नकलो हरकत मूवमेंट सस्पिशस चल रहा है आसपास, पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं की। और जितनी दहशतगर्द तंजीमें या इंतहा पसंद तंजीमें, उन सब ने इस वाक़े की मजम्मत की थी। बहुत से और होते थे कत्ल, उनको वो ओन करते थे कि हाँ हमने किया, वो तो उससे अपनी कारगुजारी उसे समझते थे। बड़े नादान हैं जो ऐसी चीज़ों को कारगुजारी समझते हैं। लेकिन बहरहाल इससे उन्होंने सबने ऐलान ये किया कि हमने नहीं किया है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। किसने किया, कौन लोग थे, अब पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। काफ़ी आसार यही है कि इन तंजीमों में से नहीं थे जो दहशतगर्द या इंतहा पसंद थे। जो लोग भी थे वो थे जो इल्ज़ाम इनको देना चाहते थे। यही छत्ती सिंहपुरा में हुआ, कुछ सिख मारे गए, बेकसूर लोग इसलिए मार दिए गए कि इल्ज़ाम वहाँ सिख और मुसलमानों का टकराव हो जाए, और ज़ाहिर है इल्ज़ाम फ़ौरन दहशतगर्दों पर आया, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर आया, इंतहा पसंदों के ऊपर। उसके कुछ रिएक्शन भी हुए यहाँ पंजाब में मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर पोजीशन बहुत क्लियर हो गई। ये उनका काम नहीं था, बल्कि ये किसी और का काम था, ये बहुत वाजे हो गई, क्लियर पूरे हिंदुस्तान के। और उनको मारने वाले वाली कोई और तंजीम थी जिसका किसी इस्लाम से, किसी मुसलमानों से, किसी इंतहा पसंदों से कोई ताल्लुक नहीं था। मकसद ये था कि ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर आ जाए, हिंदू सिख टकराव हो जाए, इसलिए वो बेगुनाह मार दिए गए वहाँ पर 25 सिख। सिर्फ इसलिए बेगुनाहों को मार दिया जाए कि हमारी सियासत चलेगी, इसका कोई तो, जब यहाँ पर दुनिया में उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली तो कोई तो सज़ा होनी चाहिए, कोई तो उनको अंजाम उनका सामने किसी तरीके से आना चाहिए। वहीं कश्मीर में ही कठुआ एक जगह है, जम्मू में, जम्मू रीजन के अंदर कठुआ के करीब ही एक बच्ची थी आसिफा बानो, उसको अगवा किया गया। ये बकरे चराने वाले कबीले की थी, बकरा वाले कहलाते थे वो लोग, बकरावाल। उसको अगवा किया गया, वो बच्ची 8 साल की थी। उस 8 साल की बच्ची के साथ में एक दर्जन लोग जो है वो मंदिर में उसको रेप करते रहे लगातार 8 दिन तक। और उसके बाद यहाँ उसकी ये जब उन्होंने कराया तो तलाश वलाश जैसी होती वो होती रही कि कहाँ गई, कहीं हो गई होगी, कौन किसी कबायली लड़की के गायब होने की ज़्यादा फिक्र करता है। लेकिन फिर वो लीक आउट हो गई कि मंदिर में उसका कत्ल हुआ, उसे मारा गया। इसलिए जब मारा गया उससे पहले ही वो बेहोश थी। उस वक्त इसमें कुछ 4 पुलिस वाले भी थे जिनके नाम आए कि ये मिले हुए थे, जिनमें से 2 बहुत एक्टिव थे।
आखिरी दफ़ा जब वो बेहोश थी तो एक पुलिस वाला उसने जाकर ये कहा कि इस आखिरी बार तो मुझे इसके साथ कर लेने दो, अब तो जा ही रही है, मारने ही जा रहे, तय कर लिया था आपस में कि मार दो, केस गर्म हो गया है, तलाश जारी है। तो फिर वो बेहोश बच्ची के साथ में 8 साल की, जिसको 8 दिन से एक दर्जन लोग रेप करते रहे थे, उस बेहोश बच्ची के साथ में कहा कि भाई ये आखिरी मौका तो मुझे एक और दे दो, तो वो उन्होंने मुकाला किया और उसके बाद फिर उसे मार दिया गया। जब ये चीज़ें मंजर आम पर आ गईं तो वहाँ की बस्ती ने हिमायत की रेपिस्ट की कि किसी तरीके से बच जाए, बहुत बड़ा जुलूस निकला वहाँ उस जिसको जिसके कयादत 2 MLA कर रहे थे रूस की, और जिसने उसका केस लड़ाना चाहा एक एडवोकेट थी गैर मुस्लिम एक लेडी, जिसने उसका केस लड़ाना चाहा उसको वार्निंग मिल गई, इसलिए कि हर एडवोकेट ने मना कर दिया था, आपस में तय था कि कोई इसका केस नहीं लेगा इन लोगों के खिलाफ, तो किसी ने नहीं लिया, उसने लिया, और फिर आखिर में उसने उसको ये एप्लीकेशन देनी पड़ी, सब ने उसका बायकॉट किया, तो उसे एप्लीकेशन देनी पड़ी कि इस केस को पंजाब हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, हाई कोर्ट ने अपील मान ली और पंजाब हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हुआ। उन लोगों में को भी जो मुजरिम थे, जिनके जुर्म पूरे तरीके से साबित हो गए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दूसरी सारी चीज़ों की बुनियाद पर, उनको भी कोई सजाए मौत किसी को नहीं हुई, इतने भयानक केस के ऊपर कैद की सजा हुई, कुछ को कम की, कुछ को 5 साल की, किसी को 20-25 साल की। क्या ये इतना काफ़ी था उनकी सजाएं? जो उस केस को ढक रहे थे, छुपा रहे थे, ये साबित उन्होंने कर दिया हमने नहीं किया था, लेकिन वो कवर अप कर रहे थे, उनको 5-5 साल की हुई। जिन्होंने अमली हिस्सा लिया था उनको 20-25 साल की हुई। ये तो 25 मरतबा अगर मर मर कर जीते और कत्ल किए जाते तब भी सज़ा पूरी नहीं होती। फिर एक केस ये भी 2017 में 2018 में पब्लिसाइज हुआ था, चला आ रहा था 2017 से, उन्नाव रेप केस, वहाँ एक लड़की को एक बुलाया गया झांसा देकर नौकरी के लालच में, फिर जिस औरत ने बुलाया उसके लड़के और ड्राइवर बहुत दिनों तक उसे रेप करते रहे, वो गई मुकामी MLA के यहाँ अपनी शिकायत लेके, वहाँ उसका रेप हुआ, उसके बाद निकल के आने के बाद और बहुत से लोगों को बुला के उसका रेप होता रहा, फिर उसको 60,000 रुपये में बेच दिया गया, वो दरख्वास्तें देती रही, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत मुश्किल से रिपोर्ट तो लिखी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब उसने जाके वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कोठी के सामने, रेजिडेंस के रिहाइश के सामने जाकर अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, उसके बाद फौरन उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया उससे कुछ इल्ज़ाम लगाकर, और पुलिस लॉकअप में फादर की मौत हो गई, मर्डर हो गया, मौत हो गई पुलिस लॉकअप के अंदर। कहा तो यही क्या कि ऐसे ही हो गई, मर्डर नहीं था, उसी लड़की के उसके झूठे इल्ज़ाम लगा कर उसे अरेस्ट किया गया था। अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने जो रिपोर्ट कहा था कि ये MLA के यहाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, MLA बहुत धाकड़ था। वो और उसके अंकल और साथ के कुछ लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो केस के ही सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उसको एक कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, लड़की तो ज़ख्मी होकर बची और लोग ख़त्म हो गए, चचा ख़त्म हो गए उसी के अंदर उस एक्सीडेंट में। उस ट्रक के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, कालक पोती हुई थी नंबर प्लेट। बहरहाल ये इसके बाद वो फिर इंटरनेशनल ख्याति का केस बन गया, हंगामा पूरी दुनिया में हो गया। जब पूरी दुनिया में हुआ और ये सब हुआ, इतने उसके बाप के और चचा के और सब के ख़त्म हो जाने के बाद, तब ये हुआ कि फिर MLA को अरेस्ट किया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, बहरहाल सज़ा भी हुई, सज़ा सुनाई गई, वो सज़ा जो है वो भी उनकी कैद की सज़ा है। अब ये जो कुछ ये हालात हैं, जो चीज़ें हैं, ये कैद की सज़ा है, उसको तो अगर कई कई दफ़ा ज़िंदगी दे दे के जान से मारा जाता, सज़ा पूरी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बड़े कम लफ्ज़ों में बयान कर दिया,
जिन पर गुजरी, और जैसे जैसे गुजरी और वो लड़ती रही अपने बाप के मरने के बाद भी, और अपने चचा और टेररइज नहीं हुई, खौफजदा नहीं हुई, तो जिन पर गुजरी है जैसे गुजरती है, और उस वाक़े की भी तफसीलात हैं, वो कैसे मर मर कर वो जीते रहे, इसकी सजा कुल इतनी है कि अब जब केस पूरी दुनिया में पब्लिसिटी हो गई, तब उसको जेल दे दी जाए। और अदालत ने सजा फिर सुनाई। कुछ वाक़यात थे ये आपके सामने, जो ये सिर्फ वो वाक़यात थे, और भी हैं जिनकी पब्लिसिटी हो गई, और भी हैं जिनकी बहुत पब्लिसिटी हुई, मैंने सिर्फ वो रखे थे जो पब्लिसाइज बहुत हुए थे। इनके हज़ार गुना ज़्यादा तो रोज होते रहते होंगे, जिनका कुछ पता ही नहीं चलता, चारों तरफ होते हैं, हम जानते हैं कि होते हैं, इससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक भी होते हैं, जगह जगह होते रहे हैं। वहाँ तो कोई किसी तरह के एक्शन का सवाल ही नहीं, बल्कि मुजरिम और जो जुर्म करने वाले हैं वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, और वो पावरफुल लोग जो हैं वो अपने पैसे की वजह से और अपनी पावर की वजह से न सिर्फ बच जाते हैं, बल्कि रिपोर्टें तक दर्ज नहीं होती। क्या इनको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? नवाबों और राजाओं ने जो कुछ किया, मैं यहाँ रामपुर के नवाब के बारे में बताऊँ आपको, नवाब हामिद अली ख़ान, जिन्होंने ये हामिद मंदिर बनवाई और ज़्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ पर बनवाई हैं, वो जिसे मछली भवन के नाम से आप लोग जानते होंगे, ये उनकी महल सरा थी, इसमें इनकी 200 से ज़्यादा रखेलें थी जो इसमें रहती थी। ये इनके जासूस घूमते रहते थे शहर में, हम बच्चे थे, हमें सब मालूम है, इसलिए मालूम है, ज़्यादा डिटेल वो मैं बताऊँगा। इनके जासूस या मुखबरी करने वाले शहर में घूमते रहते, कौन लड़की ज़्यादा खूबसूरत जवान हो रही है उसे उठवा लेते थे, वो उनके यहाँ पहुँच जाती थी, फिर उसके बाद उसका घर का कुछ मुस्तकबिल नहीं, वो एक दफ़ा उनके खलबतगाह में रहती थी और उसके बाद फिर हमेशा के लिए वो उसमें चली जाती थी, वही मछली भवन में। ये सब बेगमात कहलाती थी ये जितनी थी। फिर रदा अली ख़ान जब आए तो उन्होंने इन बेगमात को 200 रुपये दे के छुट्टी निकाल कह दिया कि जाओ अपने अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी ज़िंदगी बची क्या थी, बहुत सी तफसीलात इसकी मैं इस वजह से जानता हूँ कि हमारे बचपन में हमारे पड़ोस में हमारे घर से मिला हुआ घर था, वहाँ रहती थी बेगम साहिबा, उन्होंने बहुत सी तफसीलात हमें, हम छोटे थे बच्चे थे लेकिन हमारे कानों में पड़ी हुई हैं, उस वक्त इतना नहीं समझते थे लेकिन हमारे कानों में पड़ी हुई हैं, वो बताती थी कि रामपुर की दबान में बहुत से लोगों ने बाजी मैया कहते थे और अक्सर पूरी भीड़ों ने बेगम साहब कहती थी, बड़ी गरीबी की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, बहुत गरीबी, तो वो थी बेगम साहब। ये जुल्म जिन्होंने किए कि बच्चियों को उनकी अभी जवानी पक्की पुख्ता भी नहीं हुई थी, उनको जगह जगह से उठवा लिया जाता था, ये जुल्म जिन्होंने किए वो तो नवाबी की ज़िंदगी गुजार गए, उनके कारनामों के साथ में उनके नाम जगह जगह लिखे हुए हैं, उनको बड़ा खूबियाँ और क्या क्या चीज़ें बयान की जाती हैं उनके बारे में, सज़ा कहीं तो होनी चाहिए, ऐसे स्कॉट फ्री तो उनको नहीं जाना चाहिए, ऐसे बचकर नहीं निकल जाना चाहिए। ऐसे नमालूम कितने नवाब और राजे थे, बहुतों के वाक़यात में जानता हूँ, बहुतों के आप जानते होंगे, मैं घुसता रहा हूँ चीज़ें इकट्ठा करता रहा हूँ, इसलिए और बहुत से मालूम हैं जो यहाँ अब मैं नहीं बयान कर रहा। ये सिर्फ इतनी बातें जितनी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये इस सबूत के लिए काफ़ी हैं कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी, इस कायनात के अंदर एक कानून है जारी, वो कानून जो कायनात के अंदर है उसमें आप देख लें कि हर रिज़ल्ट का एक रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में कुछ और वजूद में आता है। ये इतनी बड़ी कायनात का साइंटिस्ट बात ही करते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और पीछे ढूंढते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये हमारे साइंटिस्ट में से कोई गौर नहीं करता क्या इसके पीछे कोई मकसद भी है, क्यों हो रहा है, कायनात क्यों चल रही है, बड़ी डिसिप्लिन से चल रही है, ये इतना डिसिप्लिन किसने एस्टेब्लिश क्यों कर दिया, खाली इतने नहीं किसने कर दिया, मकसद क्या है, कोई मकसद होना चाहिए, मकसद की अगर बात करने लगे तो फिर कोई हस्ती भी सामने आ जाएगी जिसने इसे जारी किया, जब मकसद को गायब कर देंगे तो यही ढूंढते रहेंगे कि इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, मकसद गायब हो गया। कुरान जब आखिरत की बात करता है तो मकसद की बात करता है, मकसद का जिक्र करता है, और बात खाली इतनी नहीं कि कुरान ये कहता हो। अब यहाँ दो नज़रिए हयात हैं या जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, वो लोग जो इसके बाद की ज़िंदगी मानते हैं कि ज़िंदगी तो जारी है, बदले मिलने चाहिए कहीं,
जब कायनात में, ये बड़ी अहम बात है, हमने कितनी ही डिस्कवरीज, कितने ही इंकशाफात और इजादात कैसे किए हैं जानते हैं? डेटा लेने के बाद, अब उसके बाद ये हुआ कि इन डेटास की, इन आदाद और शुमार की रोशनी में फला रिजल्ट तो आना ही चाहिए था, अब इसका नतीजा यही निकलेगा, तो फिर उससे नए इजादात हों, नए प्रिंसिपल्स मालूम हों। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कहलाती है एलिमेंट्स की, ये अनासिर जो है, लोहा है, पारा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी, जितने आज तक डिस्कवर हुए उनकी एक टेबल है। साइंटिस्ट ने एक टेबल बनाई, उस टेबल में 118 में उन्होंने नंबर डाले, बहुत से खाने खाली छोड़ दिए, एटॉमिक वेट के हिसाब से थे जो शुरू हुए हाइड्रोजन हीलियम से, और एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने खाने खाली छोड़ दिए बहुत, उनका ये भी डिस्कवर नहीं हुई, इतने और होंगे डिस्कवर, होने चाहिए। जब उन्होंने रिजल्ट, जब डेटा लिए, तो उनका ये भी होना चाहिए ये टेबल जो बनी है इसके अंदर, इसलिए कि जितने आए हैं उनसे एक नतीजा निकल रहा था, उस नतीजे की बुनियाद पर वो जो डिस्कवर नहीं हुए थे वो भी डिस्कवर होने चाहिए। तो उन्होंने एडवांस में बना दी थी, खाने खाली छोड़ दिए थे, वो सब डिस्कवर हुए और सब होते चले गए, उतने एटॉमिक वेट टेबल मुकम्मल हो गई। बहुत एडवांस में उन्होंने, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब भी बहुत से खाने खाली थे उसके, बहुत एडवांस में उन्होंने बता दिया था, इसलिए कि उन्होंने कुछ उसूल दरियाफ़ किए, उसका एक रिजल्ट आना ही चाहिए, लाजमी रिजल्ट उनका ये भी होगा आइंदा जाकर, हमें नहीं मिला है लेकिन ये एलिमेंट भी दरियाफ्त होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, और वो हो गए। वो टेबल जो है वो उसी जगह पर, उसी तक, उसी एटॉमिक वेट्स के साथ वो टेबल पूरी हो गई, फिल हो गई। तो इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर ये बहुत बड़ा उसूल है कि यहाँ जो होना चाहिए वो है, ये बहुत बड़ा उसूल है, इस पर गौर करें, जो होना चाहिए वही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो फिर इंसानों की ज़िंदगी में भी जो होना चाहिए वो होगा, अक्ल क्या कहती है क्या होना चाहिए वो लाजमन होकर रहेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसको नहीं सोचते और नहीं गौर करते, मकसद पर कोई गौर नहीं होता। मैं इसे कंटिन्यू करूँगा आगे, आइंदा जुमे में, बहुत अहम मौजू है आखरत के ताल्लुक से या बात की ज़िंदगी में आवागमन के ताल्लुक से, इसके आइंदा मैं पूरा करूँगा, जो कि आज का वक्त काफ़ी हो गया। लेकिन ये इतनी चीज़ें जहन में रखिएगा, मैं 5 मिनट में खुलासा रखूँगा बात को, और उसके बाद फिर बाकी बातें कहना चाहूँगा। इस्लाम ने इसलिए कि ये आखरत के, ये लॉजिकल है, हमारे सामने जो वाक़ियात पेश आ रहे हैं ये साबित करते हैं कि ये होना चाहिए, आगे ज़िंदगी होनी चाहिए जहाँ सज़ा मिल सके। वो ज़िंदगी कैसे होगी, क्या ऐसे होगी कि कभी वापस ना आए, या ऐसे होगी कि यही चक्कर मारते रहें लेकिन सज़ा मिलती रहे, ये चीज़ें फिर और अगर ज़िंदगी रही तो मैं आइंदा रखूँ। लेकिन होना चाहिए ये कि आगे कुछ नहीं होगा, हमारे जितने और यहाँ पर बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, खूब पैसे ले लेकर लोगों को कि ज़िंदगियाँ संवारने की बात करते हैं, सारा जोर उनका इस बात के ऊपर है कि बस यहाँ की ज़िंदगी ठीक कर लो, अपने इस दुनिया के हिसाब से ठीक कर लो, आगे की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं देते। उसका नतीजा क्या है, क्या होना चाहिए, जिनके सामने ही तसव्वुर है वो क्या करते हैं ज़िंदगी नहीं, तो इंशाल्लाह आइंदा मरतबा मैं इसे रखूँगा, आइंदा जुमे में। आज तो कुछ वाक़ियात, कुछ चीज़ें रखी थी और एक अकली दलील रखी थी सामने आपके। इसलिए कुरान ने इसे बुनियादी अकायद के अंदर रखा है, मूल मान्यताओं में, आगे ज़िंदगी है ये मत समझना बच जाओगे, हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, आपका भी हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, इसका इंतज़ाम रखें। कुरान ने कह दिया है हम यामल मिसाल अदरत खैर यरा, अगर जर्रे के बराबर में किसी ने कोई भलाई की है नज़र आ जाएगी, वीडियो चला दिया जाएगा, ज़िंदगी प्लेबैक कर दी जाएगी, देख लेगा। हम यामल मिसाल अदरत इंशाल्लाह यरा, जर्रे के बराबर में किसी ने अगर कोई शर बुराई की होगी वो भी दिखा दी जाएगी, उसे देख लेगा, उसके बाद इंसाफ होगा। इंसाफ अंधा नहीं होता कि कुछ पता नहीं क्या किया था और सजा मिल जाए, जैसा आवागमन के तसव्वुरात के मुताबिक समझा जाता है, साबित करके होगा, ज़िंदगी को साबित करने के बाद इंशाल्लाह ये मौजू फिर जारी रहेगा आइंदा जुमे को होगा ज़िंदगी में। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआन अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।